दामिनी बहन है ना, उनकी ऑफिस बुलाया मुझे आज काकू, स्कूल के बाद मैं जाऊंगी। हाँ, और वो आशावरी का इंग्लिश ट्यूशन? किसी बूढ़ी विद्वान औरत ने मुझे कहा था, प्रायोरिटी, किस समस्या को पहले सुलझाना ये तुमको सीखना पड़ेगा बालिके। हल हल वाइडी, ये चीटिंग, ये मेरा डायलॉग है। और तूने मेरी कॉपी की, उसका कुछ नहीं। जा, देर हो जाएगी। अरे ये तेरी चप्पल कैसे टूट गई? पूछो मत काकू, पानी के खबोचे में ना पैर पड़ गया था मेरा, मैं खुद को बचाने गई ना तो चप्पल की बलि चढ़ गई। बोलो। अरे रे, अभी कैसे? नहीं, चप्पल हाजिर है। मस्त। ये सच है या मैं सपना देख रही हूँ काकू? तेरा सपना सच होते हुए मैं देख रही हूँ पुष्पा। रात को नजर पड़ी थी फटी हुई चप्पल पे, सुबह उठकर पहला काम ये किया। ये लुच्ची लोमड़ी अचानक से इतनी अच्छी हो जाएगी तो मुझे हजम कैसे होगा काकू? मैं डांटूंगी मारूंगी किसको? अब बस रोने का प्रोग्राम मत शुरू करना मेरी मम्मी। ये आंसू नहीं, आंखों से बहता पसीना है जो बरसों की तपस्या और मेहनत के बाद बहता है। आंसू तो खारे होते, ये मीठा है, साखरे सर का मीठा। काकू, आप क्या बचपन से ही ऐसी बातें करती थी? नॉर्मल लोगों के पल्ले ही ना पड़े वैसे। ए बायड़ा, तूने फालतू बात की ना मेरी काकू से, तेरी लाइव चप्पल से मारूंगी तुझे जोर से। सुखीर, हे चिरागड़ा, हाँ। स्कूल छोड़ देगा मुझे? हाँ मम्मी, इसी बहाने राशि से भी मिल लूंगा। ये अश्विनिया, ये देख नई चप्पल कैसी है, बोल किसने दी होगी? चिराग लाए नई चप्पल मेरे लिए, देख ना कैसी है। अच्छी है। क्या हुआ तुझे? बोल ना। सुराग नहीं मिल रहा क्या ऑफिस के मैटर में? दीप्ति के साथ कुछ हुआ है क्या? बोल। अरे बोल रे, सस्पेंस पिक्चर मत दिखा मुझे। सोनल, दीपू बहुत अपसेट है, कहीं हमने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? ज्यादा किया नहीं है हमने मनीष, बस मदद करने गए थे जो उल्टे सर पड़ी है, उसकी वजह से बात जरूर ज्यादा बढ़ सकती है। आई जस्ट होप कि आज के न्यूज़पेपर में अपॉलोजी के साथ क्लैरिफिकेशन आ जाए ताकि अश्विन की साइड भी क्लियर हो जाए। वाह 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 सुशीला, अप्रतिम, बहुत बढ़िया थेपला बनाया है। बस हल्का सा हल्दी बबराया होता ना और मजा आ जाता। हेलो, कौन? रॉन्ग नंबर है भाई। क्या ना सुशीला, हल्दी में एक गुण है कि हेलो कौन? अरे भाई बोला ना रॉन्ग नंबर है भाई, क्यों पैसे का पानी कर रहे हैं? हाँ। कौन है? अरे किसी मस्ताना का फोन है। मस्ताना? अरे अस्ताना नहीं, मस्ताना। सुशी तू भी मशीन लगा ले कान। मशीन किधर गई मेरी? अरे मशीन तो इधर पड़ा हुआ है, कहीं सच में अस्ताना का फोन ना हो। अपनी गलती खुद समझ में आई तो गंगा नहाए। वैसे आपको कम सुना ही देता है लेकिन दिखाई तो बराबर देता है, नाम पढ़ तो सकते थे ना। अरे पढ़ ले। हेलो, बापूद्रा स्पीकिंग। आ,
अस्ताना बोल बोल क्या? अरे ना भाई ना अस्ताना, मैं तेरा फोन क्यों कट करूंगा है? अरे तुझसे रॉन्ग नंबर लगा होगा भाई। हाँ ये सब छोड़, वो मैंने फोन इसलिए किया था कि वो दिलीप पटेल के बारे में तुझे कुछ और याद आया क्या? अरे बापूतरा जी, पुष्पा पटेल से फुर्सत मिले तब जाके दिलीप पटेल के बारे में सोचू ना। ऐसी खबर देने के लिए फोन किया है कि आपके होश उड़ जाएंगे। देख भाई अस्ताना, बापूतरा की फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, जो बोलना है आराम से बोल। पुष्पा पटेल ने अपना केस लड़ने के लिए दामिनी मेहरा को रोका है। दामिनी मेहरा? पुष्पा फिर से केस लड़ेगी मतलब? अरे वो तो केस हार गई ना अस्ताना। अब क्या अकेले अकेले केस लड़ेगी हैं? अरे वो केस तो क्लोज हो गया। लेकिन ऊपरी अदालत में केस खुल भी तो सकता है ना। दामिनी मेहरा जैसी लॉयर की गुडविल आधी जंग जिता देती है। अगर वो चाहे ना तो रात को 12 बजे भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवा सकती है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये वही औरत है जो उस दिन गाड़ी में आई थी। लेकिन अस्ताना मुझे एक बात बता कि ये इतनी अच्छी लॉयर है तो महंगी भी बहुत होगी। 3 लाख लेती है एक सुनवाई के। क्या क्या 3 लाख? 3 लाख एक सुनवाई का? हाँ। क्या मुंह से सोना निकालती है क्या 3 लाख? लेकिन मुझे एक बात बता कि ये इतनी महंगी लॉयर को पुष्पा ने कैसे अपॉइंट किया? वो किधर से लाएगी इतने पैसे? वो तो वही जाने बापूतरा जी, बाजी अब पलट भी सकती है। देखिए आमिर बशीर तक ठीक था, लेकिन ये दामिनी के सामने केस लड़ना मेरे बस की बात नहीं। रखता हूं। 3 लाख रुपया एक हियरिंग का? ये पुष्पा के पास इतने पैसे हैं क्या सुशीला? कहीं तूने बापूदरा की अलमारी में से उसको पैसे तो नहीं दिए? पता चला बापूदरा के पैसे से ही वो बापूदरा के सामने केस लड़ रही है। उसके पास छोड़ो, इतने पैसे आपकी अलमारी में है क्या? बात करो छो। अरे रेवानु चाल मां, उन्हें बातों लाखों नहीं। जाओ अबे। 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए उस गरीबड़ी पुष्पा के पास आए किधर से? अश्विन तू काहे वेडा झालायस? तू ये सोच भी कैसे सकता है कि दीप्ति तेरे साथ कुछ गलत करेगी? देख पूरा मामला तो मुझे पता नहीं, लेकिन दीप्ति के बारे में छाती ठोक के बोल सकता हूं कि वो इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। फोन करूं उसे। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.